अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा सीरतुल नबी का 36वां और आखिरी जुमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक के सारे वाक़ियात आज के जुमा में आ जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा से ज़कात है, रमज़ान है, उसके मसाइल रहेंगे। पिछले जुमा को हमने ये बतलाए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद सबसे पहले हज के लिए जो काफ़िला रवाना किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसका अमीर बनाया और उसके बाद पीछे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूरह तौबा की 40 आयतें देकर भेजा कि जाओ जाके हज़रत अबू बकर को ये 40 आयतें दो और ये कहो कि अराफात के मैदान में जाकर ये आयतें सबको सुना दे। वो 40 आयतें क्या थी? वो 40 आयतें ये थी, उसमें अल्लाह ने मुशरिकीन के लिए हुदूद हरम में आने को मना फरमा दिया। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये 10वें पारे की आयतें हैं सूरह तौबा की, वो सारी वही आयतें हैं। उसके अंदर मुशरिकीन को मना किया गया, इसलिए आज 1450 साल हो चुके हैं हरमैन का जो इलाका है उसके अंदर मुशरिकीन को दाखिले की इजाज़त नहीं है। इसीलिए मैंने पिछले जुमा भी बताया था, जब हम हज या उम्रे के लिए जाते हैं तो मक्का में दाखिल होने से पहले आप लोगों ने देखे होंगे एक कमान के जैसा गेट, जो अक्सर हमारे पास में कैलेंडरों वगैरह में उसकी तस्वीर होती है, जो रिहल होती है ना, रिहल कुरान की रिहल के जैसी कमान बनी हुई है। एक्चुअल में वो बॉर्डर है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स का, वहीं पे तमाम गाड़ियों को रोका जाता है। वो बहुत बड़ा है बना हुआ वो, और सारी गाड़ियों को रोकने के बाद एक एक पैसेंजर को चेक किया जाता है कि इनके पासपोर्ट क्या है, इनका नाम क्या है, और उसके एतबार से गाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है। यानी वहाँ पे पूरी तहकीक होती है कि मुशरिक अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह ने मना कर दिया, सिर्फ ईमान वालों को अंदर जाने दिया जाता है। तो हज़रत अली करमल्ला वजहू जब पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह पूछा कि अल्लाह के नबी ने तुमको अमीर बनाकर भेजा है या तुम सिर्फ़ मेरे पास में आयतें सुनाने के लिए आए हो? हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं नहीं, लश्कर के अमीर आप ही रहोगे, मुझे सिर्फ़ इतनी ज़िम्मेदारी दी गई है और वो मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ। वो आयतें सुनाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए रवाना हो गए। और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इलाक़ों में फिर वापस से मुख्तलिफ जमातों को रवाना किया। ये जो पूरा इलाका है जिसे आज के ज़माने में हम लोग इज़राइल कहते हैं और जिसे हम फ़लस्तीन कहते हैं, उस ज़माने में ये पूरे इलाके को नजरान कहा जाता था। आप लोगों ने फ़ज़ाइल आमाल में पढ़े होंगे नजरान का बादशाह, और उसको अंग्रेज़ी में नेजरान कहते हैं। यहीं पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए थे,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी यही हुई, इसी इलाके के अंदर उनको सूली पे लटकाया गया। ये पूरा इलाका उस ज़माने में 100% ईसाइयों और यहूदियों का इलाका था, लेकिन इस इलाके के भी सारे लोग, अल्लाह के नबी ने हज़रत खालिद इब्ने वलीद को उस इलाके में भेजा, वो उस इलाके के अंदर पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग भी ईमान में दाखिल हो गए। उनके ईमान में दाखिल होने के बाद जो ईमान में दाखिल होने वालों का सिलसिला था वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहा था, और पूरा जो जज़ीरतुल अरब है वो माशाअल्लाह 100% मुसलमान हो चुका था, ईमान में दाखिल हो चुका था। तो सन 10 हिजरी जो है, ये सारा का सारा अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको वही सारे वाक़ियात मिलेंगे कि अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों की जमातों को रवाना किया, और रवाना करते करते पूरा जज़ीरतुल अरब जो है वो ईमान में दाखिल हो गया। अब इसी सन 10 हिजरी का आखिरी जो महीना था वो हज का महीना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से हज के लिए निकले। ये पूरा वाक़िया देखो फ़ज़ाइल सदक़ात में बहुत ही तफसील के साथ में है, इसलिए अगर किसी को अल्लाह के नबी के हज का यानी पूरा वाक़िया तफसील से देखना है कि अल्लाह के नबी ने हज कैसे किया डे टू डे और कदम बा कदम, तो फ़ज़ाइल हज के अंदर आखिर में अल्लाह के नबी के हज के उन्वान से वो उन्वान बांधा गया है, पूरा मुकम्मल हज का सफ़र है। और मैं समझता हूँ जो आदमी हज के लिए जाने वाला है उसने उसको कम से कम 8-10 बार पढ़ लेना या अपने साथ में रखना, ताकि उसका हज भी वैसा ही हो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज हुआ था, 100% सुन्नत तरीक़े पर। तो वाकई में आपको हज का मज़ा आएगा वहाँ जाने के बाद में, उस तरीक़े से अगर आप हज करेंगे तो। और दूसरा ये है कि सुन्नत का आपको सवाब भी मिलेगा, और पता भी चलेगा कि भाई मसनून तरीक़ा हज करने का वो क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हज है इसे हज्जतुल विदा भी कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हज एक ही मर्तबा फरमाया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फतेह मक्का के बाद ये अल्लाह के नबी का पहला और आखिरी हज, एक ही मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का सफ़र किया। तो ये जो सफ़र है इसमें बहुत सारे वाक़ियात हैं असल में हज के, अल्लाह के नबी के, और कैसे आपने वो हज किया, क्योंकि हज सिर्फ एक घंटे का या एक दिन का अमल नहीं है, बल्कि वो मुस्तकिल उसको 8-10 दिन का पूरा अमल है, वो अपने घर से लेके वहाँ से वापसी तक। वैसे तो हज के अय्याम सिर्फ 5 है, लेकिन उसके आगे पीछे भी जो दिन हैं वो सफ़र भी अगर हम उसके अंदर शुमार करें तो इतना मुस्तकिल एक पूरा यानी एक हफ्ता भी बोल सकते, महीना भी बोल सकते हज का जो सफ़र होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हज का सफ़र था, इस सफ़र के दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे मीना के अंदर क़ियाम किया था वहाँ पे भी मस्जिद तामीर की हुई है, जो है वहाँ पे मस्जिद मस्जिद खीफ़ वो वहीं पर है। खीफ़ के मायने ही आते हैं खैमा लगाने के। तो जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था उसी जगह पर मीना के अंदर उस मस्जिद की तामीर हुई है, और मुज़दलिफ़ा में भी उसी जगह पे मस्जिद की तामीर है जिस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, और अराफात के मैदान में भी वहीं पर मस्जिद की तामीर है। मस्जिद नमरा जो है वो उसी जगह पर है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाया था, उसी जगह पर वहाँ पे मस्जिद की तामीर की गई। ये तीनों जगह को हमने याद रखना चाहिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खैमा था उसी हिसाब से वहाँ पे मस्जिदों की आज तामीर हुई है, और वहाँ पे खुतबा दिया जाता है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने भी खुतबा दिया था। और हज्जतुल विदा के मौके पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था वो तारीख़ी खुतबा है, तारीख़ी खुतबा है वो, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो जो खुतबा है अल्लाह के नबी का। अराफात के मैदान में अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, और खुतबे में जो अहम अहम बातें बतलाई, क्योंकि
वो अल्लाह के नबी का आखिरी सफ़र था। खुतबे के दरमियान में आपने खुद ये फरमाया कि लोगों, हमारी जो मुलाकात है, हो सकता है इसके बाद में हमारी मुलाकात ना हो, इसलिए जो बातें मैं तुमको बता रहा हूँ उन बातों को मजबूती से पकड़ लो। और कुरान की वो आयत भी वहीं पे नाजिल हुई उसी वक्त के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कुरान की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, आज दीन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया आज। इसलिए आज दीन मुकम्मल और कंप्लीट होने के बाद अब तुमको किसी और से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही, मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। ये जो कुरान की आयत है इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, आज हमने दीन को क्या कर दिया, मुकम्मल किया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक तो कुरान है और दूसरे मेरी सीरत है। ये दो को देखने का, कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ है, तो कुरान में देखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या रहबरी फरमाता है। और अगर कुरान में तुमको नहीं मिलता है, उसी चीज़ को तुम सीरत में तलाश करो। कहाँ तलाश करेंगे भाई, सीरत में। अगर तुमको वो चीज़ जो है कुरान में अगर तुमको रहबरी नहीं, तो मेरी सुन्नत में देखो। मैं तुम्हारे लिए ये दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर एक और रिवायत में फिर आपने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। इसीलिए हमारे उलामाए अहनाफ के नज़दीक जो इफ्ता के कवायद है, जो पढ़ाए जाते हैं मुफ्ती के कोर्स में, उसके अंदर ख़ास तौर पे इस्तेहसान बोलकर एक यानी सबक होता है, उसके अंदर ये सिखाया जाता है कि हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले मसले का हल उसको कहाँ पे तलाश करेंगे, कुरान की आयत में। और कुरान की आयत में अगर उसका हल हमको नहीं मिलता है, तब हम उसको किसकी रोशनी में तलाश करेंगे भाई, हदीस की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में। और फिर उसके बाद उसको किसकी ज़िंदगी में देखेंगे, सहाबा इकराम के। अब हम उसको सहाबा की ज़िंदगियों में देखेंगे। अगर हमको वो चीज़ ना कुरान की आयत में मिल रही है और ना ही हमको हदीस में, अब हम सहाबा की ज़िंदगी में, सहाबा के बाद कोई नहीं, सहाबा के बाद कोई है क्या भाई, सहाबा के बाद कोई नहीं। इसीलिए हमारे जो हज़रत जी हैं मौलाना साद साहब और हमारे जो अमीर हैं, उनका ज़ोर इसी बात के ऊपर होता है कि हमारे भी जो बयानात है और हमारी भी जो बातें हैं, हम भी जो बयान कर रहे हैं या हम भी दावत का जो काम कर रहे हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा जो फोकस दे, या तो कुरान के आयतों की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, या फिर सहाबा के वाकियात। किसके वाकियात भाई, सहाबा के वाकियात। यानी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अल्लाह के नबी ने फरमाए अपने आखिरी खुतबे में कि मैं तुमको कितनी चीज़ें देके जा रहा हूँ, दो चीज़ें। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे ज़माने में क्या हो चुका है, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद कुरान के इस्लाम को छोड़कर, हदीस के इस्लाम को छोड़कर, सहाबा के इस्लाम को छोड़कर, बहुत सारे मनगढ़ंत किस्से कहानियों वाला जो इस्लाम है, मुसलमान समझते हैं कि यार यही इस्लाम है क्या मान। और हमारे हजरत जी इसीलिए मना फरमाते कि किस्से कहानियों वाला इस्लाम नहीं, हमको किस वाला इस्लाम चाहिए, कुरान वाला, हदीस वाला या सहाबा वाला। वरना क्या होता था कि जुमा के भी बयानात में और दीगर बयानों के अंदर भी कुरान की आयतें सुनाने की बजाय, अल्लाह के नबी के वाकया सुनाने की बजाय, सहाबा के वाकया सुनाने की बजाय, लोग अपनी बात को ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाने के लिए, थोड़ा सा मजमे को ये करने के लिए, ऐसे ऐसे घड़े घड़ाए हुए वाकया सुनाते थे। अल्लाह रहम फरमाए, मैंने खुद ऐसे वाकया सुना हूँ, मजमा ऐसा, लोग बैठे हुए हैं बेचारे पूरे दीन की बात सुनते हुए, और एक साहब सुनाने लगे, बोले बहलूल मजनून ने तरबूज के दो टुकड़े कर दिए और आधे तरबूज को उठा के अपने मुंडी में डाल दिए, बोले। और अल्लाह ताला ने ऊपर से हज़रत जिब्रील को भेजे कि बहलूल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बहलूल ने बोले नहीं अल्लाह मियां, मैं आज तुम्हारे से नाराज़ हूँ, जवाब ही नहीं दे सकता, बोले मैं। ये ऐसे वाकयात बयानों में सुनाए जाते थे, काय में सुनाए जाते थे भाई,
बयान। तो हमारे हजरत जी ने इसके ऊपर इसीलिए पाबंदी, जो बहुत सारे लोगों को हमारे हजरत जी की एलर्जी है या उनकी बातों की एलर्जी है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने लगाम कसे, अरे बाबा यहाँ पे ये क्या किस्से कहानियों की मजलिस है या ये बयान की मजलिस है, तो यहाँ बात होना चाहिए या तो कुरान की, या तो हदीस की, या तो सहाबा इकराम की। उनके बाद नहीं, हमारे लिए नमूना जो है ना, नमूना हमारे लिए अमल के लिए जो हुज्जत है वो कुरान है, हदीस है या सहाबा की ज़िंदगी है। ऐसे घड़े घड़ाए हुए वाकियात नहीं हैं हमारे लिए। तो ये जो आयत है कुरान की जिसमें अल्लाह ने फरमाया दीन को आज हमने क्या कर दिया भाई, मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल का मतलब क्या है, अब हमको कयामत तक भी अगर किसी चीज़ में रहबरी रहनुमाई की ज़रूरत हासिल करना है, ये हमारे लिए दीन मौजूद है, हमको किसी नए चीज़ की ज़रूरत है क्या? अरे भाई बोलो ना, नहीं है हमको। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ लोग ख्वाबों के ज़रिए से भी बशारतें बयान करते हैं, बहुत सारे लोग ख्वाबों के ज़रिए से, और वो आवाम को सुनाते हैं, बोले ख्वाब के अंदर बशारत आई है और अल्लाह के नबी ने फरमाया है लोगों को बोलो कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। एक साहब ने मुझे भी ख्वाब सुनाए, मैंने कहा मैं उस ख्वाब को रिजेक्ट करता हूँ, रद्द करता हूँ। ख्वाब अगर तुमने देखे भी है वो तुम्हारा अपना पर्सनल ख्वाब है। कौन सा ख्वाब है भाई, पर्सनल है, तुम खुद अमल करो उसके ऊपर। लोगों को सुनाने की कि मुझे ख्वाब में ये बशारत दी गई कि लोगों को ये बताओ, तुम क्या नबी है क्या? तुमको बशारत दी गई, नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है, सारे बशारतें सारे अजाब हमारे नबी हमको सिखा के चले गए, वो कुरान में हदीस में हमारे लिए मौजूद है। अब हमको ख्वाबों के ज़रिए से भी ज़रूरत नहीं है किसी के रहबरी रहनुमाई की। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई आप? हाँ, ख्वाब अगर किसी को अपना होता है पर्सनल, मिसाल के तौर पे मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है और वो मुझे कोई बात इरशाद फरमाते हैं या हुक्म देते हैं, वो मेरा पर्सनल अमल है, वो उन्होंने मुझे पर्सनली कहा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपना मकाम और मर्तबा बताने के लिए लोगों के सामने ख्वाब बयान करता फिरूँ। इसलिए कि ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लिए कुरान और हदीस क्या है, काफ़ी है। तो ये जो आयत है इसका मफहूम छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा मफहूम है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कुरान की आखिरी आयत है। कुरान की कितवी आयत है भाई? आखिरी आयत, अराफात के मैदान में हज्जतुल विदा के मौके पे नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने लोगों को सुनाया और कहा लोगो शायद इसके बाद हमारी मुलाकात होंगी या नहीं होंगी, लेकिन याद रखो तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे मेरी सुन्नत। और फिर एक और रिवायत में फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हारे लिए सितारों की मानिंद है, इसीलिए हमारे लिए कुरान है, हदीस है, या फिर उसके बाद में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है हम उसको सहाबा की ज़िंदगी में देखेंगे। अब ये खुतबा इरशाद फरमाने के बाद, ये लंबा चौड़ा खुतबा है असल में हज्जतुल विदा का, बहुत उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं नमाज के बारे में और औरतों के हुकूक़ के बारे में और यतीमों के हुकूक़ के बारे में और जो है ग़ुलामों के साथ हुस्ने सुलूक के बारे में, क्योंकि अल्लाह के नबी ये चाहते थे कि ये जो ग़ुलामों के ग़ुलामियत वाला जो निज़ाम है वही ख़त्म हो जाए, बल्कि हर इंसान जो है वो आज़ादी के साथ में सांस ले। अल्लाह के नबी ने ग़ुलामों का इतना ख्याल रखा। तो ये सारी चीज़ें खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। और उसके बाद अब जब आपका हज का पूरा सफ़र मुकम्मल हो गया, वो होने के बाद जब आपकी मदीने की तरफ वापसी होने लगी, रास्ते में अल्लाह के नबी को किसी ने दावत दी और उसी दावत के अंदर, यानी रिवायतें बहुत अलग अलग मुख्तलिफ मिलती है, बल्कि ख़ुद ये भी मिलता है कि जब रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ गया और बुखार में शिद्दत पैदा हो गई। मदीना जैसे ही आप पहुँचे, क्योंकि ये सन 10 हिजरी का आखिरी महीना था, उसके बाद 11 हिजरी का पहला महीना जो है वो मुहर्रम का महीना है। अब उस महीने में जो है 11 हिजरी के महीने में आपका सफ़र हुआ, आप सफ़र का महीना है उसके बाद मुहर्रम के, अब उसी दरमियान में आपकी तबीयत में और ज़्यादा जो है बुखार में शिद्दत पैदा हो गई और बुखार और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो बाद रिवायतों में ये भी मिलता है कि अल्लाह के नबी फरमाते थे कि मुझे बकरी के गोश्त में जो जहर दिया गया था ये उसी का असर है। अल्लाह के नबी बाज़ रिवायतों में ये भी मिलता है, इसलिए कि मैंने इससे पहले बताया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
बकरी के गोश्त में जहर दिया गया था और उस गोश्त ने पहले ही बता दिया था कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा जब तक खाने में आ चुका था। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बुखार जो है उसकी शिद्दत दिन ब दिन बढ़ने लगी और ख़बर मशहूर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार है। जैसे ही अल्लाह के नबी के बीमारी की खबर मशहूर हुई तो जो झूठे नबी है वो पैदा होना शुरू हो गए। अब उन लोगों ने लोगों में ये कहना शुरू किया कि भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी थे, अब ये तो जा रहे हैं, अब इनके जाने के बाद दूसरा कोई नबी चाहिए कि नहीं चाहिए तुम लोगों को? इसलिए गली गली में नबी पैदा होने लगे, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी। अब मर्दों में जब नबी पैदा हुए, एक औरत ने बोली कि चलो जब सब सारे मर्द नबी पैदा हो रहे हैं तो मैं भी नबूवत का ऐलान करती हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसने भी ऐलान कर दी कि मैं भी नबी हूँ। ऐसे नबी पैदा हो गए। अब वो नबियों के वो इंशाल्लाह मैं फिर कभी आपको तफसील से सुनाऊँगा बाद में, अल्लाह ने उनका खातिमा कैसे फरमाया। लेकिन ये फितने जगह जगह पर उभरने लगे। इसी तरह से रोम के बादशाह को भी इत्तला मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है। उसने भी क्या किया, एक बड़ा लश्कर जो हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा मोता पहुँचे थे, जो या उन्होंने ईसाइयों से मुकाबला किया था जंग मौता में, वहीं से उन्होंने जो है वो बड़ा लश्कर मदीने की तरफ रवाना करने की अल्लाह के नबी को जब इत्तला मिली तो आपने उन्हीं हज़रत ज़ैद के बेटे हज़रत उसामा को, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी, उनको अमीर लश्कर बनाया और फौरन उस लश्कर को रवाना किया। देखो ये भी अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है और हम लोगों को सीखना चाहिए इससे कि आप खुद बिस्तरे अलालत पर है, आप खुद बीमार है और बीमारी के बावजूद आप अपने पूरे सहाबा को कहाँ रवाना कर रहे हैं भाई, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अब हमारे ज़माने में अगर कोई रहता तो वो रोकता था और जाने वालों को, अरे भाई मैं बीमार हूँ तुम लोग रुक जाओ बोलकर, लेकिन नहीं, आपने रवाना फरमाया वो लश्कर को। अब उस लश्कर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इसलिए कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास को अल्लाह के नबी ने अपने पास में रोक दिया था। ये बाकी लोग उस लश्कर के अंदर थे। अब इन्होंने मशवरे से ये तय किया कि जो लश्कर है उसको मदीने से सिर्फ एक कोस की दूरी पे जाके इन्होंने रोक दिया कि भाई अल्लाह के नबी की तबीयत नासाज है, अभी हमारा सफ़र करना मुनासिब नहीं है, इसलिए वहाँ रुक कर। फिर वो सहाबा जो है दो दो चार चार पाँच पाँच मदीने में आते थे, अल्लाह के नबी की सोहबत में वक्त गुजारते थे और अल्लाह के नबी की जो है इयादत किया करते थे। अब अल्लाह के नबी का जो मर्ज है वो बढ़ता गया और इतना मर्ज ने शिद्दत इख्तियार की कि आपने अपने घर के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, यानी बाकी जो आपकी बीवियाँ थी उनसे इजाज़त लेकर हज़रत आयशा के घर में आपने क़ियाम फरमाया और उनसे कहा कि आयशा पूरे घर में देखो, मेरे घर में कुछ माल, कुछ दौलत, कुछ सोना, कुछ चांदी वगैरह तो नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरे घर को तलाश किया तो आधा दिरहम मतलब आज के ज़माने के हिसाब से 125 रुपये होते हैं, उससे भी कम होते होंगे, आधा दिरहम कहीं पे मिल गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा इसको सदका कर दो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में मैं हाज़िर रहूँ तो दुनिया की कोई चीज़ मेरे पास में रहे, ये मैं नहीं चाहता हूँ, आयशा इसको सदका कर दो। और हज़रत आयशा ने जब घर में कुछ नहीं बचा, एक यहूदी औरत से जैतून का तेल उधार लाकर अपने घर में उन्होंने चराग जलाया, यानी घर में जो चराग जल रहा है वो उधार के तेल से, और घर के अंदर जो आधा दिरहम बचा हुआ था वो भी अल्लाह के नबी ने क्या करने लगाया भाई, सदका करने लगाया कि आयशा मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ज़िम्मे कुछ बाकी रहे। ये सीखने की चीज़ है। हमारे आज के ज़माने में हम मुसलमान दुनिया से जाने से पहले सोचते हैं यार बड़े बेटे को, और लोग नसीहत करते हैं, हम लोग बच्चे थे मदरसे में पढ़ते थे तो एक करोड़पति साहब का इंतकाल हो रहा था और रूह निकल नहीं रही थी,
बच्चों ने हमारे उस्ताद से बोले, उनके बेटों ने बोले, क्या बात है अब्बा की रूह अटकी हुई है, निकल रही नहीं जल्दी, ज़रा बच्चों को भेजो यासीन शरीफ पढ़ने के लिए, क्योंकि जल्दी रूह निकल जाएंगी तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी आपस में तकसीम कर सकेंगे। अब हमारे उस्ताद ने 15-20 बच्चों को भेजे, उनमें हम भी थे, गए हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं उनके बाजू में बैठ के उधर से। अब वहाँ जब कुरान की तिलावत की जा रही है सूरह यासीन, यानी देखो जिस बाप ने करोड़ों की प्रॉपर्टी औलाद के लिए बनाया, वो औलाद ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी बाप की क्या निकल जाए भाई, रूह निकल जाए, ताकि बाप की रूह निकल गई तो हम लोगों को कायमे आसानी रहेगी प्रॉपर्टियाँ तकसीम करने में। अब हम पढ़ते बैठे, हम तो बच्चे थे, तो वो जो साहब थे उनका इंतकाल तब भी नहीं हुआ, अभी भी आवाज़ निकल रही थी, उन्होंने बोले एक बड़े बेटे को आवाज़ दी और बोले, देख बोले मैंने तुझे पहले ही समझाया, मेरे जाने के बाद में वो फुलाने मार्केट की जो दुकान है वो रफीक कुछ देने का, दूसरे को देना नहीं। तो वो बड़े बेटे ने बोला, अरे अब्बा तुम अपने मरने के बाद की फिक्र करो, तुम्हारे गए बाद हम बराबर करते किसको क्या देने का क्या लेने का। मतलब हमारा हाल ये है कि रूह निकल रही, कब्र की फिक्र छोड़ के, जन्नत जहन्नुम की फिक्र छोड़ के, तब भी हजरत को यही ख्याल है कि मार्केट की दुकान किसको देने का, छोटे बेटे को देने का। बोले अरे भाई तुम तुम्हारी आखिरत की फिक्र करो, ये हमारा हाल है। और वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, आधा दीनार घर में, दिरहम घर में बचा हुआ था, वो भी अल्लाह के नबी ने क्या करने लगाए भाई, सदका करने लगाए। आयशा सिद्दीका ने पड़ोस के घर से जो है चरा, वो यहूदी औरत से उधार तेल लेकर आए और घर में अपने जो है चराग जलाया, यानी चराग जलाने को भी तेल नहीं घर के अंदर। उसी हालत में जब बहुत ज़्यादा जो है आपका दर्द बढ़ गया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मलकुल मौत जब उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत आयशा से कहा कि आयशा, लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, फरमाया आयशा पर्दा ज़रा हटा दे, दुनिया से जाने का वक्त है, आखिरी मर्तबा अपनी उम्मत को देखना चाहता हूँ। देखो उम्मत का कितना दर्द, कितनी मोहब्बत थी कि दुनिया से जाने का वक्त है, उस वक्त भी किसको याद कर रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं। हज़रत आयशा ने पर्दा हटाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आपने पहले ही हुक्म दिया था कि मेरी जगह पे तुम नमाज़ पढ़ाओ, वो इमामत कर रहे थे, बाकी सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी ने जो है एकदम यानी सहाबा को पूरी मोहब्बत के साथ में देखा और मलकुल मौत उन्होंने जो है फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जो यानी रूह जब वो निकाल रहे थे तो वो सकरात की जो तकलीफ़ थी उस वक्त अल्लाह के नबी पानी के प्याले में हाथ डालकर अपने चेहरे पे उसको मला करते थे और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी फ़ी सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह सकराते मौत में तू मेरी मदद फरमा। और इसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल होने के बाद अब कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर हमारी बात ख़त्म होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह पे विसाल हुआ उसी जगह पे कब्र खोदी गई। ये कुछ चीज़ें हमको पता होना चाहिए। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पे तदफीन हुई, वहीं हुई जो आज आपका रोज़ा है ना, जिस जगह पे मदीना में वही आपका घर था और उसी लाइन से सारी अजवाज मुतहरात के घर थे। कभी हज के लिए गए तो मस्जिद नबवी में असहाब सुफा का चबूतरा भी है और वो अल्लाह के नबी के ज़माने का मुसल्ला भी अभी भी बाकी है। तो उस जगह पे जो है वही कब्र खोदी गई जहाँ विसाल हुआ, वहीं पे आपको दफन किया गया। अब ये भी है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में किसने उतारा, तो हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इन दोनों ने आपको कब्र में उतारा। तीसरा एक सवाल लोग ये करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा के बारे में कि किसने नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नमाज़े जनाजा होती है और अल्लाह के नबी की जो नमाज़े जनाजा थी वो ख़ुद सहाबा खुद आते थे और आके जो है अल्लाह के नबी की नमाज़े जनाजा जो है जैसा जैसा कभी दो आ गए तीन आ गए मतलब वो ख़ुद अपनी जो है पढ़ के वहाँ से रवाना हो जाते थे। इस तरीके से सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा अदा फरमाई और अल्लाह के नबी की तदफीन अमल में आई। उसके बाद फिर जो नए नए फितने पैदा हुए, सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताया, तो आज जो है हमारा सीरत का बयान यहीं पे मुकम्मल होता है। एक मरतबा दिल की गहराइयों से हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना।
इंशाअल्लाह अब आइंदा जो है रमज़ान का महीना हमारे सामने है, तो हम आइंदा जुमा से भी वक्त पे पहुंचने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह हम आपको तफसील से ज़कात के मसाइल, रमज़ान के मसाइल, ये इंशाअल्लाह अगले जुमा से हम शुरू करेंगे, ताकि ज़कात हम लोगों को पता चले कि किस पे फ़र्ज़ है, कब फ़र्ज़ है, क्योंकि ये मसाइल हमको पता नहीं होने से हम परेशान होते हैं। तो अगर हम थोड़ा वक्त की कुर्बानी देकर पहले ही मस्जिद में पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह हमको भी ये सारे मसाइल जो है अच्छी तरह से पता चलेंगे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।